फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कुछ वायर्ड ईयरफोन और कुछ DWS और नेकबैंड वगैरह, सभी तरह के कुछ ईयरफोन, नेकबैंड, DWS वगैरह मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो 500 के अंदर आपको वायर्ड ईयरफोन लेना है तो सबसे अच्छे होंगे आपके लिए बोट 242, और यहाँ पर आपको 10 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको म्यूजिक क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और दूसरा ईयरफोन है रियलमी बर्ड 2, ये भी वायर्ड ईयरफोन है और ये ब्रेडेड केबल के साथ आता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा मजबूत भी है और यहाँ पर भी आपको सेम ही म्यूजिक क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, दोनों ईयरफोन बहुत ही तगड़े हैं, मैंने इन दोनों ईयरफोन को पर्सनली यूज भी किया है, और यहाँ पर आपको दोनों में टेंगल फ्री देखने को मिल जाएगा, यानी कि अपने में फंसेगा उस जगह नहीं। और नेकबैंड की बात करें तो आपको सबसे अच्छा देखने को मिल जाएगा ओप्पो इनको M32 और दूसरा वन प्लस का बुलेट Z2 जो कि अंडर 2000 है फ्रेंड्स। जितना मैंने नेकबैंड बताया वो सब 2000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और तीसरा है जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है बोट रॉकर एपिक्स, जो कि इसमें आपको टच कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, तो ये थोड़ा एक अच्छी बात होती है और अभी थोड़ा दिन पहले ही लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। और TWS की बात करें तो सबसे अच्छा TWS आपको देखने को मिलेगा ओप्पो इनको बर्ड्स 2, जो कि आपको 1700 के करीब देखने को मिल जाएगा, अंडर 2000 ये भी है। अगर हम सबसे अच्छे TWS की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ओप्पो इनको बर्ड्स 2, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा बोट एयर ड्रॉप्स 161, जो कि बहुत ही तगड़ा ईयरफोन था फ्रेंड। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, अगर आपको खरीदना हो तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।